हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कैसे हम अपर वर्सन का ऑटोकैड का फाइल लोअर वर्सन में कन्वर्ट करेंगे और वो भी ऑटोकैड यूज ना करके। तो फिर शुरू करते हैं। मेरे पास एक ऑटोकैड फाइल है, मुझे किसी ने दिया था और ये जो फाइल है हायर वर्सन में सेव्ड है और मैं इसे खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 2017 का ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है और ये जो फाइल है उससे हायर वर्सन में सेव है। तो आपको पता ही होगा हायर वर्सन ऑटोकैड फाइल होगा तो वो लोअर वर्सन में नहीं खोल सकता। थोड़ा देखा था तो सैंपल के हिसाब से ये फाइल खोल के इसका प्रॉब्लम क्या होता है। ये देखो, खोलने के टाइम ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये देख के आप समझ जाओ दी ड्रॉइंग फाइल कुड नॉट बी ओपन बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड विथ ए मोर रिसेंट वर्सन ऑफ ऑटोकैड, मतलब ये हायर वर्सन में सेव्ड है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो चलते हैं इस फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, नेट का। ठीक है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ नेट। तो भाई मैंने नेट कनेक्ट कर लिया है, आप चलते हैं गूगल में। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑटोकैड वर्सन कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जो साइट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ आपको फाइल यहाँ पे अपलोड करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपका जो रिक्वायरमेंट वर्सन होगा वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, और मेरा जो पसंदीदा साइट है ये वाला, यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल मांग रहा है तो मुझे फाइल देना है सिलेक्ट फाइल, और ये वाला जो फाइल है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये अपलोड हो गया। ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, DWG है, DXF है, और बाकी भी ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाकी जो अदर्स ऑप्शन है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे DWG में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेटिंग में देख लेते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑटोकैड का वर्सन है, जिस वर्सन में आप चाहे तो इसको सेव कर लो अपनी मर्जी से, लेकिन मैं इसको नान ही रखता हूँ। वो नान रहेंगे तो मीन्स वो सबसे जो लोअर वर्सन उनके पास अवेलेबल होता है तो वो यहाँ पे अपने आप डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ठीक है, मैं नान लेता हूँ और ओके। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, सिंपल सी कन्वर्ट। देखो अपलोडिंग हो रहा है, फिर इसके बाद एक कन्वर्ट हो गया भाई, अब इसको डाउनलोड करो और मजे करो। तो इसको फिर डाउनलोड कर लेते हैं। भाई मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे है। सो इन फोल्डर, ये मेरा डाउनलोड का फाइल है, इसको खोल लेते हैं। और देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, कंटिन्यू ओपनिंग DWG फाइल, ये ऑप्शन आपको हमेशा ही मिलेगा जब भी आप कोई भी फाइल को ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसका जो लेयर्स है ना उसमें एरर आ जाता है और छोटा छोटा इशू आ जाता है। वो आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हमें ज़रूरी था वो हमने कर लिया। सिर्फ हमें कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर लिया। तो फिर इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ कंटिन्यू ओपनिंग DWG फाइल। ये देखो मेरा फाइल अब खुल गया है। तो ये जो है एक आर्किटेक्चर प्लान है किसी भी एक छोटा सा बिल्डिंग का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन मांगा था ना, कंटिन्यू लेयर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको अगर सॉल्व करना है तो इसको आप DXF आउट भी कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ पर DXF आउट। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ वर्सन कन्वर्ट DXF। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो एक DXF फाइल आ गया मेरे पास, तो वही जो फाइल है DXF। तो इसको मैं खोल कर देखता हूँ, देखो अब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ये आपका जो फाइल था मतलब नॉर्मल फाइल हो गया है, इसको बस सेव कर दो। ठीक है, तो भाई मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है अपर वर्सन से लोअर वर्सन में। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी काम कर सकता हूँ, अपना जो रिक्वायरमेंट वाला चीज़ें है अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन जिसने मुझे फाइल दिया था, ये बहुत ज़रूरी था, उसको चाहिए था ये फाइल को लोअर वर्सन में कन्वर्ट करके मुझे दे देते, चाहे वो किसी भी हायर वर्सन में काम कर रहा होगा। तो उसके लिए जो ट्रिक्स है, कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन में जाना है OP एंटर, यहाँ पर जो ओपन एंड सेव ऑप्शन है इसको क्लिक कर दो। तो ये देखो सेव एज में मेरा जो फाइल है 2013 में सेव हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे पास वर्सन जो है 2017 का, लेकिन सेव तो हो रहा है 2013 में। तो मैंने थोड़ा अकलमंदी लगाया, चाहे मेरा फाइल कोई एक्सेस कर रहा हो तो उसके पास अगर मिनिमम 2014 भी होगा, 13 भी होगा, वो फाइल खोल के काम भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो बंदा अगर इस फाइल को लोअर वर्सन में कन्वर्ट ना करके अपने वर्सन में सेव कर रहा है तो वो गलत है। ठीक है, अगर वो लोअर वर्सन में सेव करके रखता तो मैं इस फाइल को एक्सेस कर पाता इजी से, तो मुझे इस ऑनलाइन का चक्कर मुझे नहीं पड़ना होता और मुझे ऑनलाइन में जाने के बाद इसको फिर अपडेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शायद ये प्रॉब्लम दूसरा कोई बंदा फेस कर रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।